जीवन 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं तनु तिवारी। आई रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की एक खास खबर की। खैरागढ़ थाना ढिलकाडी अंतर्गत ग्राम रूसे में दिन शुक्रवार शाम 4 बजे के आसपास पशु चराकर वापस घर लौट रहे नाबालिग युवक के पर आकाशीय बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन थाना ढिलकाडी पुलिस को मामले की तहरीर दी है। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। युवक के शव को रात में ही पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल खैरागढ़ लाया गया है, लेकिन पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है, जिससे मृत के परिजन पुलिस विभाग से खफा है। ये ग्राम रुसे की घटना है जो ढिलकाडी थाना अंतर्गत आता है। जब इन्होंने मौखिक सूचना दी आकाशीय बिजली गिरने से इनके बेटे का देहांत हो गया, तो पुलिस द्वारा यह कहना कि आप दो लोग यहाँ आके इन्फॉर्म करो। और आज दूसरे दिन दोपहर का 12 बज रहा है, अभी तक पुलिस वाले आए नहीं थे। अभी अभी एक भैया दिखाई दे रहे हैं। और ये कितनी लापरवाही है, ऐसे जब प्राकृतिक आपदा में एक किशोर बेटे को हमारे परिजन हमारे क्षेत्र के लोग ने जब खो दिया है, तो ये असंवेदनशीलता है। जी सर, बताएंगे कि बिजली गिरने से एक नाबालिग का मौत हुआ, जिसका पीएम के लेकर रात में लाया गया था। जी हाँ, उनका सुबह मॉर्निंग में पीएम हुआ। वो काम रूसे के निवासी थे और वो और उनके पिता ना मतलब जो मवेशी थे उसको चरा रहे थे, उसी समय बिजली गिरी तो उनके पिता भी बेहोश हो गए और लड़का भी बेहोश हो गया, पर लड़के की मौत हो गई थी। आज उसका सुबह हमारे यहाँ पे उसका पोस्टमार्टम हुआ है और उसकी बिजली गिरने से जो गाज बोलते हैं गिरने से मौत हुई है। कल वो आकाश बिजली गिरने से मौत हो गए मौके पे। और पुलिस वाले को फोन लगाया, सूचना दी कि तो वो लोग क्या बोले, दो आदमी लेके आओ कोतवाल के साथ, ऐसा बोले। उसके बाद हम लोग इधर मरीज को लाए 8 बजे रात में, फिर 10 बजे थाना गए ठेलकाडी, तो सुबह 8 बजे भेज देंगे बोले। अभी तक 12 बज गए, एक भी पुलिस वाले नहीं आया, अभी आया है। फिलहाल इस खबर में, तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहे जीवन 24 न्यूज।